मैं उत्कर्ष उर्फ चिंटू, इसका छोटा भाई। मैं तनु की चाची हूँ, चाची लगती हूँ, बीच की, बीच वाली चाची हूँ। मैं से एक छोटे जूनियर रेनु चाची हूँ मैं। उसकी दो चाची है, एक दोनों रेनु और ये एक मेरे से बड़ी वाली है रेनु, मैं छोटी हूँ। मैं तनु की बीच वाली बुआ हूँ। मैं तनु की मौसी हूँ। मैं एक्चुअली तनु का सबसे छोटा कजन हूँ। मैं तनु की दादी हूँ। मैं तन्नू दीदी का भाई। सबसे पहले तन्नू को मैंने गोद में उठाया था। तन्नू के बारे में ऐसी बात ना बताई करे, कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो इतनी छोटी थी कि उसे उतना बैग जो है वो कैरी नहीं होता था, तो मैं उसका बैग कैरी करके घर तक लाती थी। मेरे से इतनी चिढ़ती थी, एक बार मेरे को गमले में छोड़ाई थी बचपन में। मतलब कभी प्यार ही नहीं करा इसने मेरे से, हमेशा नौकर समझा है, जो दहेज में लेके जाना चाहती है साथ ही। पर वो मेरे मम्मी पापा अच्छा जो मेरे को रोक रहे हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। माँ इसको तो नए मम्मी जी पापा जी मिल गए, मेरे तो यही है ना। सब कुछ मम्मी पे डिपेंड रहता है कि ये मम्मी ये करेगी, मम्मी वो करेगी। उसको माचिस डाल दी थी, अब माँ जी आप बीड़ी पीते हो तो ये माचिस लगा दी, इसे साड़ी में लगा लेना। और वो इतनी बेवकूफ थी कि उसको रोड भी क्रॉस नहीं करना आता था और गलियों में धक्के मारते हुए चलती। अभी भी ताने मारती है, तेरी डाड़ी क्यों नहीं आ रही अभी तक नहीं आई तेरी डाड़ी। लेकिन वैसे वो बहुत क्यूट है, कभी कभार काम भी नहीं कराती, प्यार भी करती है। अभी भी मेरे को ड्रायर पकड़ा के बिठा रखा है मेरी मेहंदी सुखा। और एक मेरे जीजू कभी कहते हैं चिंटू मैं तेरे से कोई काम नहीं करवाऊंगा, पर फिर भी मेरे को जूतियों के लिए भी यहाँ से गुड़गांव भगाते हैं। कुछ थी खूबियाँ इसमें, अब वो उनका क्या प्रचार करें, पर हाँ जैसी भी आप हाँ है तो अपनी शादी तो करनी पड़ेगी इसकी। सही है जैसी भी है, ठीक है काम चला लेंगे। और बाकी जीजू की किस्मत फूटी, बस वो जीजू को ज़्यादा परेशान ना करे। अम्मारी रे रोके आशुरा बाईरा हाके मोकलावो जी। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी रही है, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। भगवान जहाँ ये रहे बहुत खुश रहे, सबका दिल जीतती है, तो मेरी तो दुआ यही है अपने सास ससुर का और अपने हस्बैंड का दिल जीते। बेटा माँ को ज्यादा प्यार करता है, बेटी पापा को ज्यादा प्यार करती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा हम दोनों से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। मेरे दामाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी और घर से है, मुझे बिल्कुल अपने दोनों चिंटू और तन्नू की तरह लगता है। दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जावारे परदेश हूं तो जावारे पर। यश तो ऐसा है जैसे मैं तन्नू को कहती हूँ कि जैसे तेरे मम्मी पापा की जोड़ी है वैसी तेरी है। तन्नू मम्मी जैसी है और यश जो है हमारे भाई जैसा है। हम बहुत उस तन्नू को मिस करेंगे, बचपन की इतनी सारी मेमोरीज, इतनी सारी फोटोज के साथ हैं। एंड आगे भी आई विश हमारी सेम इक्वेशन रहे जो अभी है, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर न्यू मैरिड लाइफ। तन्नू इतनी प्यारी और अच्छी बच्ची है कि उसके जाने से बहुत मन भारी हो रहा है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि कैसे करेंगे उसको विदा। और मेरी बेटी सदा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। जिस टाइम तन्नू पैदा हुई थी उस टाइम मैं घर पे थी, मैंने ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज ही गोद में उसको उठाया हो, मेरे को ऐसा महसूस लगता है। फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब एक होता ना क्यूट स्माइल है, बच्चे वाली स्माइल है, इनोसेंस एकदम स्माइल है, वो वाली है। तो आज भी मैं कई बार जब टेंशन में रहता हूँ या स्ट्रेस रहता है तो आई इमेजिन दैट स्माइल। आई एम होपफुल कि जिंदगी भर वही स्माइल मैं मेंटेन कर पाऊँ उसकी और हम दोनों हंसते खेलते रहें। नाना नानी नहीं है, नाना तो पक्का बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यशवीर से मिलके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं, नाना नानी दादा दादी मम्मा पापा, तो वो वैसा नॉडी टाइप तो है ही, उस वजह से बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, शाये बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से बात करेगा, मतलब ही इज़ अ पर्सनैलिटी, लाइवली पर्सनैलिटी दैट एवरीवन लाइक्स। हमारी स्टोरी इज टू गुड टू बी ट्रू एक्चुअली। पापा देखने गए थे उसको, पापा ने देखे बोला कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला है, डन कर दिया। मतलब आई नो कि आई कैन नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस बिकॉज आई एम वेरी पैम्पर्ड एट होम, तो मुझे ये चीज पता थी कि कोई भी नॉर्मल सा या ठीक ठाक प्यार करने वाला लड़का तो नहीं चलेगा। Oh,
नाना जी आए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी. ही वॉज अ टीचर एंड जैसी अपब्रिंगिंग उन्होंने मेरी मम्मा को दी और जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन माई पर्सनैलिटी अ लॉट. एंड सम ऑफ दोज थिंग्स रिफ्लेक्ट्स ऑन यशस पर्सनैलिटी एज वेल, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड. सो आई काइंड ऑफ रिलेट टू दैट थिंकिंग वॉट हिज फादर हैज एंड वॉट्स माई नाना जी हैड. सो इट इज रिलेटेबल एंड आई लाइक इट वेरी मच. पापा और यश में तो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं, आई कैन नॉट इवन टेल. ड्रेसिंग सेंस, जीरो ड्रेसिंग सेंस. ठीक है, दोनों में जीरो ड्रेसिंग सेंस, बट हाँ कपड़े अच्छे बनाओगे तो दोनों बहुत हैंडसम लगते हैं. दूसरा ओके चलिए, गुस्सा कभी नहीं करते ना पापा कभी करते ना यश कभी करता. गुस्सा दोनों में से किसी को नहीं आता, बट जब आता है वो जोर से बोलेंगे दोनों में से कोई सा भी एंड इट कैन मेक यू क्राई जस्ट लाइक दैट. और पापा की तरह सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका बहुत मस्त है. सिस्टर को कहीं मैं बहुत दूर नहीं जा रही, मेरी सारी बहनें यही है, मैं बैंगलोर लेके आ चुकी, तो मैं किसी को ऐसे मिस नहीं करूँ. उसको लगता है कि वो मेरा छोटा नौकर है या जो भी है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना वो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हो गया है एवरी टाइम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. पता है मैं बहुत पास हूँ, मैं जब भी जाऊँ मैं अपने घर आ सकती हूँ. हम कहीं बाहर भी रहेंगे तो वीकेंड्स में उसके घर जाएंगे, और अगर गुड़गांव रहेंगे तो आई कैन जस्ट ड्रॉप ऑफ ऑन द साकेत मेट्रो स्टेशन एंड पिक अप डिनर फ्रॉम होम आई होप. मैं याद मैं करना भी नहीं चाहती ऑनेस्टली, अगर मुझे कुछ अभी याद भी आएगी कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा. आई ट्राई माई बेस्ट टू फिट इन योर फैमिली. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहू ना आपकी बेटी बन कर लूँ, यश की वाइफ कम उसकी बेस्ट फ्रेंड बन बन वो तो मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँ. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ. कभी कभी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, बट ट्राई टू ओवरलुक देम एंड ट्राई टू सी द गुड.